अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल। जहाँ आपके लिए मैं CS601 या डाटा कम्युनिकेशन का दूसरी असाइनमेंट लेकर आया हूँ। ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है और इसकी लास्ट डेट 15 जुलाई है, तब तक आपने इसको सबमिट करवा दें। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिवन द पेयर ऑफ द फॉलोइंग टेबल, यू आर रिक्वायर्ड टू मैंशन दी हैमिंग डिस्टेंस एसोसिएटेड विद ईच पेयर ऑफ द वर्ड्स। तो नीचे एक टेबल दी हुई है, उसे कहते हैं, इसमें आपने हैमिंग डिस्टेंस मेंशन करना है। ठीक है, ईच पेयर ऑफ वर्ड्स, हर पेयर का आपने हैमिंग डिस्टेंस जो है वो मेंशन करना है कि हैमिंग डिस्टेंस क्या है। हैमिंग डिस्टेंस दरअसल जो बिट्स के अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं उनको ये शो करवाता है कि कहाँ कहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये नीचे टेबल दी हुई है, आगे मैंने इसका हैमिंग डिस्टेंस भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके लिए आप देखेंगे तो ये पहले देखना है आपने कि जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो सेम हैं कि नहीं है। अगर नंबर ऑफ बिट्स सेम ना हो तो फिर आपने आगे लिख देने इनवैलिड है। इतने नंबर ऑफ बिट्स इसमें इतने ज़्यादा हैं, ये देख 5 हैं और अगले में 4 हैं, तो आगे आप इनवैलिड लेंथ लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ बिट्स, यहाँ पे 4 हैं और आगे 5 हैं, तो इसका भी इनवैलिड लेंथ लिख देंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 5 हैं और आगे भी 5 हैं। ठीक है, तो इसका जो कहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, 0 सेम है, 1 पे, यहाँ यहाँ पे चेंज आ रही है 1 पे, और यहाँ पे भी चेंज आ रही है, और यहाँ पे सेम है, फिर यहाँ पे चेंज आ रही है, तो इसका 3 जगह पे चेंज आ रही है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, कंपेयर करना है आपने इस तरीके से, उसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रखना है, तो आपने कंपेयर करना है कौन सी सेम है। तो ये 0 इधर 0, ये सेम है, 1 पे 1 है, ऊपर 0 है, चेंज आ रही है, यहाँ पे 0 1 है, चेंज आ रही है, 0 0 सेम है, 0 1 चेंज आ रही है, तो 3 जगह पे चेंज आ रही है, तो 3 हैमिंग डिस्टेंस हमारा हो जाएगा। इस तरीके से हम पहले देखेंगे कि लेंथ सेम है कि नहीं है। इसकी लेंथ यहाँ पे देखें 4 है और यहाँ पे भी 4 है, लेंथ सेम है, और फिर हम इसका हैमिंग डिस्टेंस देखेंगे। तो इसका आ जाएगा, चेंजेस कहाँ पे आ रही हैं। ठीक है, 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, चेंज आ रही है, यहाँ पे 1 1 सेम है, और यहाँ पे 1 1 सेम है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे चेंज है, दो जगह पे चेंज आ रही है, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से नीचे इसका, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स 3 हैं और आगे 5 हैं, तो इसका इनवैलिड लेंथ हम आगे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा हुआ था, कंसीडर द सेंडर स्टेशन वांट टू सेंड, सेंडर स्टेशन ये जो बिट्स हैं ये सेंड करना चाहते हैं, डाटा बिट्स इन टू डेस्टिनेशन स्टेशन, तो आगे जो मुकर्रा स्टेशन है वहाँ पे ये नंबर ऑफ बिट्स सेंड करना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू पुट 8 बिट चेक सम दैट विल सेंडर विल सेंड टू द डेस्टिनेशन अलॉन्ग विद द ओरिजिनल डाटा बिट्स। तो हमने 8 बिट जो है चेक सम हमने कैलकुलेट करना है, जो कि जो सेंडर है वो ओरिजिनल डाटा बिट के साथ डेस्टिनेशन की तरफ जो उसकी कर रहा है जहाँ पे सेंड करना है वहाँ पर ये सेंड करेगा। राइट ऑल द नेसेसरी कैलकुलेशन स्टेप, तो हमने इसमें जो सारे कैलकुलेशन स्टेप्स आ रहे होते हैं वो भी हमने लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपने चैनल से लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को ऑन करना नहीं भूलना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक, और आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए अप्रिसिएशन होती है, ताकि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना के ला सकूँ। ठीक है, तो दूसरा इसमें है, डाटा बिट्स कौन सी हैं, ये डाटा बिट्स हैं, देर आर फॉलोइंग कैलकुलेशन स्टेप, इसमें कैलकुलेशन स्टेप दैट इज हेल्दी। ठीक है, 8 बिट चेक सम हमने करना है, तो हम इसका 8 8 बिट्स का हम इसका ग्रुप बना लेंगे, ये 8 8 बिट्स का ऐसे ग्रुप होगा, फिर इससे आगे 8 बिट्स का ऐसे ग्रुप होगा, 4 और 4 8। ठीक है, और फिर इससे आगे 8 बिट्स का ऐसे ग्रुप होगा, और फिर आगे 4 बिट्स का ऐसे ग्रुप, 8 बिट्स का ऐसे ग्रुप, इस तरीके से हम ग्रुप बना लेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड द डाटा इंटू ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स, हम ग्रुप्स ऑफ 8 बिट्स में हैं जो डाटा को डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, मतलब के 8 8 बिट्स का ग्रुप बनाते जाएंगे, एक 8 बिट्स का ये ग्रुप बन जाएगा,
आठ ग्रिप आठ जो है बिट्स का ये ग्रुप बन जाएगा, फिर आठ बिट्स का अगला ग्रुप बन जाएगा, फिर आठ बिट्स का अगला, ठीक है, आठ आठ बिट्स का ग्रुप बनाते जाएंगे। और फिर क्या करना है हमने, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप वही ऐड अप ऑल द बाइनरी वैल्यूज टू ईच ग्रुप। तो ईच सारे ग्रुप की जो बाइनरी वैल्यूज हैं हमने फिर उन सबको ऐड करना है। अब अगर हम उन सबको ऐड करें तो उसका आंसर जो आता है वो ये आ जाता है 1000111, ठीक। तो मैंने ये ऑनलाइन कैलकुलेटर के साथ ये कैलकुलेट किया जो मल्टीपल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करता है, ठीक। तो इसका आंसर ये आ जाएगा सबको। पहले हमने क्या करना है कि पूरे डाटा को आठ आठ बिट्स के ग्रुप में डिवाइड कर देना, आठ बिट चेकसम क्योंकि हम लगा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है कि उन सारे जो हमने ग्रुप्स बनाए थे उन सारे ग्रुप्स को ऐड अप कर लेना है। ऐड अप करके फिर अगला स्टेप क्या है, द फाइनल स्टेप इज टेक वंस कम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्ट। तो फिर हमने आगे क्या करना है कि इसका वंस कम्प्लीमेंट करना है। आपको पता है कि वंस कम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो डाटा हमने दिया हुआ है उसका हम उलट कर देते हैं, उसको वन कम्प्लीमेंट कहते हैं। ये डाटा दिया हुआ है ना, इसका हम उलट कर देना है कि जहाँ पे जीरो वन है वहाँ पे जीरो लगा देनी है, और जहाँ पे जीरो है वहाँ पे वन लगा के इस तरीके से इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, वंस कम्प्लीमेंट में हमने डाटा सारे को उलट कर दिया। फिर हमने आगे क्या करना है, सो द चेक सम इज गिवन डाटा इज, तो जब हम इसको उलट कर देंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा इसका चेक सम आ जाएगा, ठीक है, चेक सम ऑफ द गिवन डाटा, तो ये इसका चेक सम आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाता है आगे। आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, वीडियो देखने का शुक्रिया, और बेल आइकॉन ऑन करना नहीं भूलना ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंची रहे, और आपने अपनी सब्सक्रिप्शन के ज़रिए मुझे अप्रिशिएट करना भी नहीं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।